बच्चों, आज मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास सिक्स का, जिसमें आप लोग कल जाने थे इंट्रोडक्शन कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जाने थे, और उसमें कल बताए थे कंप्यूटर का दौर जो है कौन कौन से पीरियड से होकर गुजरा। फिर उसी में आप कल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में जान लिए, और आज हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है, ये इसका जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के विकास को आसान और अधिक कुशल बनाने में पहला जो कदम है, ये असेंबली लैंग्वेज के निर्माण का, यानी कहने का मतलब असेंबली लैंग्वेज के निर्माण से ही सॉफ्टवेयर का विकास, सॉफ्टवेयर को विकास करना यानी उसको डेवलप करना काफी आसान हो गया है और काफी कुशल सॉफ्टवेयर बना है। तो इसको जो है इसको भी लो लेवल लैंग्वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है, यानी आप कल पढ़े थे लैंग्वेज के बारे में बताए थे आपको कि दो तरह का लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक लो लेवल लैंग्वेज होता है। तो ये सेकेंड जनरेशन जो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको भी लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत रखा गया है। तो ये जो होता है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जो है इसका जो यूज होता है असेंबली लैंग्वेज का, ये लो बाइनरी कोड के स्थान पर इसका यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है फिर से समझिए, यानी असेंबली लैंग्वेज यूज न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड, यानी असेंबली लैंग्वेज कोड का यूज ये स्मरण रखने के लिए, यानी कहने का मतलब कि इसको काफी दिन तक कोई भी नोटिफिकेशन की तरह कोई भी आपको नोटिफिकेशन दिखा देता है फलाना दिन आपको, जैसे आप अलार्म लगाते हैं, अलार्म लगाने के बाद आपका क्या होता है कि जिस दिन भी आपको कोई काम करना है उसका अलार्म आपको बताता है कि आपको फलाना दिन इस टाइम में ये काम करना है। इसमें क्या है कि निमोनिक ऑपरेशन कोड जो है और सिंबलिक एड्रेसिंग, इनकाने का बाइनरी कोड का जो हम लोग यूज करते हैं, बाइनरी कोड का जो हम यूज करते थे, इसके स्थान पर हम लोग करेंगे क्योंकि इसके स्थान पर हम लोग न्यूमेरिक ऑपरेशन कोड और सिंबलिक एड्रेसिंग का यूज करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिक जो होता है ये एक अल्फाबेटिकल एब्रिवेशन यूज करने का मतलब, ये न्यूमेरिक इज एन अल्फाबेटिकल एब्रिवेशन यूज इन ए मेमोरी एड, यानी ये जो न्यूमेरिक होता है, न्यूमेरिक एक अल्फाबेटिकल एब्रिवेशन होता है ना, यानी कहने का मतलब कि एक संक्षिप्त नाम होता है, अल्फाबेटिकल रहता है लेकिन वो शॉर्ट नेम की तरह होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है ना, और यानी इसका मतलब क्या है कि इसको जो है प्रोग्रामर संक्षिप्त रूप में है ना याद रख सकता है ना, यानी इसको लेंदी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, शॉर्टकट नाम से भी हो आसानी से याद रख सकता है। ठीक है, जबकि सिंबलिक जो होता है इसमें प्रोग्रामर जो है ये एड्रेस को या सैम्पल को रेफर करता है, ठीक है ना, बाइनरी लोकेशन के द्वारा, यानी बाइनरी लोकेशन जो होता है, ठीक है ना, उसके बजाय सिंबल के माध्यम से, ठीक है ना, ये लोकेट कर सकता है, ठीक है, और उसका पालन भी कर सकता है। आगे है थर्ड जनरेशन, यानी सेकेंड के बाद है थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज। तो थर्ड में क्या होता है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज को शॉर्ट में HLLB बोलते हैं, शॉर्ट में यानी इसको बोलते हैं हम लोग हाई लेवल
लैंग्वेज यानी हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं इसको, शॉर्ट में इसको LLHLL बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज जो होता है ये मैथमेटिकल फॉर्मूला को दिखाने के लिए होता है, यानी डेली हम मैथ्स बनाते हैं तो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूला को प्रदर्शित करने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेजेज का यूज करते हैं, ठीक है। ये किसी मशीन पर निर्भर नहीं होता है और इसको पोर्ट करना भी आसान होता है, यानी कनेक्ट वर्ड इसको बदलना भी आसान होता है, पोर्ट करना भी आसान होता है, ठीक है। जैसे फॉर्टेन जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसको बोलेंगे फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। और एक होता है अब लॉगरिथमिक लैंग्वेज, और फिर क्या है कि कोबल यानी COBOL कोबल, इसको बोला जाता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको यानी कोबल को बोला जाता है। और फिर हुआ यानी ये सभी जो है मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है, ये जितना बताए हैं अभी ये तीनों जो है हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। दूसरा एग्जांपल भी इसमें शामिल है सी बेसिस, सी बेसिस भी बोलते हैं, सी बेसिस बेसिक, ठीक है। सी बेसिक यानी इसको बोलते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सेबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, यानी इसको बोलते हैं बिगनर्स ऑल पर्पस सेबलिक इंट्रक्शन, ठीक है। तो ये सभी जो है और यानी जितने भी पर्पस यानी ये सभी जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। एक और है इसका नाम है पास्कल, इसको बोलते हैं पास्कल होते हैं, यानी ये सब उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज को। एग्जाम में भी आ सकता है कि थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आप कोई दो या तीन एग्जांपल बताएं तो आपको ये लिखना होगा, ठीक है। अब फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन जो लैंग्वेज है इसके बारे में हम कल बताएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन को पढ़ के रखना, ठीक है, ताकि हम बताएं तो आपको समझ में आए। ओके, आज का क्लास यहीं समाप्त।